हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं रोहितचंदा ब्लॉग्स। तो भाई आज आपके साथ एक इश्यू शेयर करूंगा जो कि मेरे साथ आ रहा है। अभी मेरी बाइक में सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने बाइक पहले सर्विस करा ली टाइम से, और जो इसका किलोमीटर होता है वो 4500 के आसपास होता है जिस पर सर्विस करानी चाहिए, बट मेरा टाइम आ गया था पहले तो मैंने सर्विस इस टाइम पर करा ली थी। और अभी क्या है, एक्चुअल में सेटिंग का सिंबल आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अगर मैं दिखाऊँ डैशबोर्ड पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, और जबकि मेरी बाइक चली है 5345 किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी है अभी तक, तो इसमें सेटिंग का ऑप्शन आ ही रहा है अभी तक। तो इसको कैसे हटाएं, क्या हटाएं, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके साथ भी ये इशू आ रहा है तो आप भी ये देख लीजिए, वीडियो आपके बहुत काम की है क्योंकि आप भी इससे पता कर सकते हैं कि कैसे हटाना है इस सेटिंग के ऑप्शन को, सर्विस के ऑप्शन को जो सर्विस इंडिकेटर दिखाता है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपको ना बाइक ऑफ कर देनी है अपनी, और यहाँ पर दो बटन दिए गए हैं, मोड और सेट। तो आपको मोड को प्रेस करके रखना है और फिर बाइक ऑन करनी है। आपको बाइक ऑन करने के बाद थोड़ी देर रुकिए, ये ब्लिंक होगा फिर जो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। ये जैसे ये ब्लिंक होने लगता है उसके बाद आपको ये सेट का ऑप्शन प्रेस करना है, प्रेस करके रखना है थोड़ी देर। फिर आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा हाइड हो चुका है, पूरी की पूरी हाइड हो चुकी है। और यहाँ पे आपको दिखा गया था कि 9000 कुछ किलोमीटर दिखा रहा था यहाँ पे, जो थर्ड सर्विस आने वाली है वो भी दिखाया है यहाँ पे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो सर्विस इंडिकेटर होता है वो हाइड हो चुका है अब पूरा का पूरा। अब बाइक ऑन करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर साइड स्टैंड का वो दिखा रहा है सिम्बल, अब कोई इशू नहीं है, मतलब ये बिल्कुल सही हो चुका है। तो ऐसे आप अपने बाइक पर सर्विस सेटिंग हाइट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।